तो दोस्तों, मैं विनय कुमार पांडे, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही जिनवी बातों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक को एक कहानी के माध्यम से रखा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। खुद को बदलो, इसी पर कहानी डिपेंड है। प्राचीन समय की बात है, बहुत पहले की बात है कि एक राजा अपने राज्य में अपने प्रजावासियों और मंत्रियों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। राजा के शासनकाल में सभी प्रजावासी मंत्रीगण संतुष्ट रहा करते थे। सभी मंत्रीगण एक बार राजा से कहे कि आपके दरबार में सभी लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजा ने बोले कि मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरे शासनकाल में सभी प्रजावासी संतुष्ट रहते हैं, जब तक मैं उन लोगों से मिल ना सकूं तब तक मैं नहीं अनुभव कर सकता कि मेरे राज्य में, मेरे शासनकाल में सभी प्रजावासी, सभी लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। उनका निर्णय हुआ अपने मंत्रियों के साथ कि प्रत्येक प्रजावासी से मिले और उनसे हालचाल ले। ऐसा ही हुआ, राजा अपने मंत्रियों के साथ सभी प्रजावासियों से मिले और मिलकर जब अपने महल में जब आए तो उनके पैरों में छाले पड़े थे, उनको चुभन हो रही थी, उनको तकलीफें हो रही थी, उनको दुख हो रहा था, उनको दर्द हो रहा था, उनको पीड़ा हो रही थी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि जब मुझे पैरों में दुख हो रहा है तो क्या मेरे प्रजावासी के पैरों में दुख तकलीफ नहीं हो रहा होगा? इसलिए जो सड़कें जो हैं उसको बनवाई जाए रातों रात, सभी प्रजावासियों के पैरों में जूते होनी चाहिए कल सुबह तक कि उन लोग को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। यह समस्या मंत्रियों के सामने आई कि रातों रात सड़कें बनवाई जाए, रातों रात जूते की बंदोबस्त की जाए। सभी सोचने लगे कि यह अचानक कैसे कार्य हो सकता है। उसी में से एक मंत्री, जो होनहार, जो विद्वान जो था, जिसका सोच जो उत्तम क्वालिटी का था, उसने राजा के पास गया और राजा से कहा कि राजा साहब, वे लोग हमेशा जूता पहनते हैं, आप जूता छोड़ कर गए थे, इसलिए आपको तकलीफ हुई है, आपके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। वे लोग के पैरों में छाले नहीं पड़ते क्योंकि वे लोग जूता पहनकर चलते हैं। अगर आप जूता पहन कर गए होते तो आपके पैरों में छाले नहीं पड़ते। राजा को अनुभव हुआ, राजा को इस बात का अफसोस हुआ कि मैं अगर जूते को पहन कर गया होता तो मेरे पैरों में छाले नहीं पड़े होते। आप किनके लिए जूते का बंदोबस्त कीजिएगा रातों रात? इसलिए आप खुद अगर जूते अगर पहनकर अगर निकलेंगे तो आपके पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे। राजा उसी समय जूते को पहने और फिर जब प्रत्येक राजावासियों से मिलने के लिए गए तो उनके पैरों में छाले नहीं पड़े थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं कि आप किस किस को बदलने की कोशिश कीजिएगा। पहले खुद को बदलो, खुद पे फोकस करो। दूसरों को नसीहत जो दोगे उससे अच्छा है कि उस नसीहत को अपने आप पर फॉलो करो और अपने आप को कामयाब बनाओ। अगर राजा जूते पहन कर गए होते तो उनके पैरों में छाले नहीं पड़ते, इसलिए जब जूते जब पहन लिए तो छाले पड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए आप जितना हो सके अपने आप को बदलो। आपको अपने आप को बदलने के लिए आपको सोच निरंतर रखनी पड़ेगी और सोचकर आप एक कामयाब इंसान बने, जिससे आपको अनुभव हो कि सद्गुण क्या होता है और अवगुण क्या होता है। सद्गुण
हमेशा अच्छाई के रास्ते के तरफ लेकर जाता है और अवगुण हमेशा बुराई के रास्ते पर लेकर जाता है। इसलिए अपने आप को बदल डालो। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं ईच एंड एवरी संडे 11:20 से जो लाइव आता हूँ उस लाइव का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव नाइस डे।